हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजी इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक। फ्रेंड्स, आज देखेंगे कि हमें स्टार हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं परचेज करना चाहिए। यानी अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। या अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और वो भी स्टार हेल्थ का है तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा और उसको सोच के आपको स्विच करने का अभी मौका है। तो इस वीडियो को देखिए, मैं अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं परचेज करते। जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी कंपनी हो, उसके लिए कस्टमर केयर सर्विस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपने आज किसी एजेंट से परचेज किया या फिर आप किसी और सॉफ्टवेयर से परचेज किया या वेबसाइट से परचेज किया, तो फाइनली आपको सपोर्ट करने के लिए कौन होता है वहां पर? कस्टमर केयर सर्विस। क्योंकि जब भी क्लेम आता है तो क्लेम के समय जब आप एजेंट को कॉल करेंगे या फिर जिस वेबसाइट से आपने परचेज किया वहां को आप कॉल करेंगे, तो कहेगा कि आप कस्टमर केयर पे बात कीजिए। क्योंकि फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कस्टमर केयर सर्विस की। और स्टार हेल्थ के कस्टमर केयर सर्विस इतना बकवास है कि आप फोन करते रह जाएंगे, आपको रिप्लाई नहीं आने वाला है। इसका हम प्रूफ भी देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। और ये मेरे कई फ्रेंडों के साथ ऐसी चीजें हुई हैं। आप भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कस्टमर केयर को कॉल लगाइए। आधे घंटे तो आपको लगेंगे कम से कम कनेक्ट होने में, और या नहीं भी होगा कस्टमर केयर। तो स्टार हेल्थ सर्विस का, हेल्थ इंश्योरेंस का कस्टमर केयर सबसे बकवास है। तो सबसे पहले दिक्कत आपको यहाँ पर आता है। उसके बाद जब भी आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपके मन में या दिमाग में क्या चलता है? ये है कि अगर मुझे कोई भी जरूरत आएगी हेल्थ से रिलेटेड, तो मुझे ये हेल्थ इंश्योरेंस जिसका भी आपने प्रीमियम पे किया है वो उस समय काम आएगा और मेरी एक टेंशन खत्म होएगी। लेकिन ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ नहीं है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और आपने सोचा कि बिल्कुल मैं टेंशन फ्री हूँ, तो आपको टेंशन फ्री होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उस समय आपको काम नहीं आता है। मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है, या जो मेरे रिव्यूज हैं या मेरे जो फ्रेंड्स हैं या जिनके मेरे पास कॉल्स, और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, उस कुछ मेरे पास प्रूफ है जो मैं आपको दिखाऊंगा, और बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं पूछते हैं, तो मैं उनके बारे में भी आपसे बात करूंगा। तो क्लेम सेटलमेंट में इनके पास बहुत प्रॉब्लम है। जैसे मैं मान लूँ कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में गए, ठीक है, वहाँ पर इनका अगर PPA नहीं है, यानी वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है ये लोग, तो उसमें क्या, उस केस में क्या हुआ? कहेंगे ठीक है साहब, आपको हम रिम्बर्समेंट दे देंगे। और रिम्बर्समेंट के लिए अगर आपने डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर दिया तो कम से कम आपको, आपने डॉक्यूमेंट दे भी दिया तभी आपके पास मेल आते रहे डॉक्यूमेंट नॉट रिसीव्ड, आप कंपनी को कॉल करते रहोगे, क्योंकि आपको पहले ही बोला मैंने कस्टमर केयर सर्विस बेकार, तो कोई आपको जवाब नहीं मिलेगा और मेल पर मेल आपके पास आती रहेगी। फिर किसी दिन आपको आएगा ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है मैंने मान लिया डॉक्यूमेंट नहीं है, वो भी डॉक्यूमेंट दे देंगे, फिर भी आपके इस टाइप से चलते रहेगा। और 2-3 महीने के बाद आपका अगर क्लेम, मान लीजिए क्लेम पास, ऐसे तो क्लेम मैक्सिमम केसेस में रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर क्लेम पास भी हुआ तो 50% पैसे कट जाएंगे। अब उसके लिए आप लड़ाई करते रहो, उसका भी प्रूफ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो क्लेम सेटलमेंट में सबसे पहला दिक्कत क्या है? कई सारे ऐसे क्लेम्स होंगे, जैसे आपको फीवर हुआ, ठीक है, तो फीवर हो गया तब इसमें कंपनी, आप हॉस्पिटलाइज हो गए, हॉस्पिटलाइज में आपका चाहे कैशलेस हो या फिर आपको रिम्बर्समेंट लेना हो, कैशलेस है तब भी और रिम्बर्समेंट है तब भी, तभी उस समय क्या कंपनी आएगा कि इस बीमारी का इलाज घर में रह के हो सकता है? यानी ये आप बताओगे, स्टार हेल्थ बताएगा या फिर डॉक्टर बताएगा जो हॉस्पिटल में इलाज कर रहा है ना? तो ऐसे ऐसे केस होते हैं, तो इसके क्लेम सेटलमेंट बिल्कुल ही बकवास है। तो आपको यहाँ पर जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाए तो आपको सोचना पड़ेगा, 10 बार देखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको ये पॉलिसी लेना चाहिए स्टार हेल्थ का। दूसरा, ब्रांच सपोर्ट, मान लीजिए कि आपने, अब आपके पास कोई एजेंट आएगा या फिर आपको पॉलिसी बेचते समय तो सभी कहते हैं कि सर मैं बैठा हूँ, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी कोई बात हो, जैसे मान लीजिए कि आपने पॉलिसी रिन्यू किया, या आपने पॉलिसी क्रेडिट कार्ड से रिन्यू किया हो, या आपको अपने UPI से रिन्यू किया हो, या कैसे भी, मैं केवल अभी फर्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, आपने पॉलिसी को रिन्यू कर दिया, आपने UPI से रिन्यू कर दिया या चेक से रिन्यू कर दिया, और किसी भी कारणवश UPI से रिन्यू करने में आपको दिक्कत हो, तो आपकी दिक्कत नहीं, आपके पैसे तो चले गए, आपके क्रेडिट कार्ड से रिन्यू किया पैसे तो चले गए,
लेकिन कंपनी के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। आप महीने तक लड़ाई करोगे तब जाके कभी पता चलेगा कि आपका अब पैसा रिसीव होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको 50 मेल और ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। ब्रांच में आप कॉल करते रहो, ब्रांच के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो ना तो आपको ब्रांच सपोर्ट करता है और ना ही आपका एजेंट सपोर्ट करता है। तो उस केस में क्या होगा कि आप कस्टमर केयर पे जाएंगे, और कस्टमर केयर को आपको पहले ही मैंने बता दिया, कस्टमर केयर सर्विस बहुत ही बकवास है। अब इसकी अब ऐसा तो नहीं है कि स्टार हेल्थ में सब कुछ बकवास ही है, प्लान्स अच्छी हैं, ठीक है, नो डाउट प्लान्स अच्छे हैं, लेकिन वैसे प्लान का क्या फायदा जिसमें कि आपको क्लेम ना मिल रहा हो, ठीक है। अब जैसे आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, कैशलेस ट्रीटमेंट हो रहा है। मेरे एक क्लाइंट का केस है, उसका कैशलेस ट्रीटमेंट चल रहा है, सब कुछ हो गया, लास्ट में क्या रीजन होकर आता है कि आपका 25,000 रुपये कट गया। किस लिए 25,000 कट गया? तो इसलिए कि आपका जो डॉक्टर है उसका फीस तो हम दे देंगे, ठीक है, लेकिन जो DMO होता है, ठीक है ना, जो एक तो डॉक्टर तो अभी सुबह शाम आते हैं, लेकिन दिन में जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, हर हॉस्पिटल में एक अपना डॉक्टर होता है जो कि विजिट पे होता है हमेशा, उसको मॉनिटर करने के लिए वहां पर रखे जाते हैं DMO। जो DMO के चार्जेस हैं कहते हैं हम नहीं पे करेंगे, तो कौन पे करेगा ये कोई नहीं पता, आप देख लीजिए। दूसरा, बड़े हॉस्पिटल जितने भी जाएंगे, खाने का काम आपको बाहर से अलाउड नहीं होता, हॉस्पिटल खुद अपना खाना पीना देता है। वो कहेंगे खाने के लिए मैं आपको पैसा नहीं देता, ये सब मैंने आपको खाने के लिए वहाँ पर इलाज नहीं किया। तो हॉस्पिटल में बाहर से आप खाना ले नहीं आ सकते, और अंदर के खाने का पैसा आप वो आपकी पॉलिसी देगी नहीं, तो फिर आपका इस तरह से प्लान अच्छे है, लेकिन क्लेम के समय में अगर आपका क्लेम पास भी हो गया कैशलेस, तो 25-30% पैसा आपका कट जाएगा। सॉफ्टवेयर अच्छे हैं, वो आपका एक बार आपने सॉफ्टवेयर से इजीली आप एक्सेस कर पाएंगे, देख पाएंगे, लेकिन वही जब कोई चीज़ों का आप डिमांड कर देंगे, देखिए पैसा लेने के लिए तो सभी आते हैं, जब देने की बात आती है, जब आप चीज़ों को डिमांड कर देंगे, तब सारी कहानी शुरू होती है और वहां पर आपको ये दिक्कतें आती है। इसलिए स्टार हेल्थ में ये चीज़ें आपको बहुत मिलेगी, यानी मेन आप देखेंगे क्लेम के बहुत दिक्कत है, और इसलिए मैं स्टार हेल्थ को आपको पॉलिसी लेने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये मेरा अपना रिव्यू है, आपके भी कुछ रिव्यूज हो सकते हैं, आपके भी अपने ओपिनियन हो सकता है। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तो आप मुझे शेयर कीजिए, हम लाइव वीडियो बनाएंगे और मैनेजमेंट को फोर्स करेंगे, मैनेजमेंट पे दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि वो इन चीज़ों को सुधार करें, क्योंकि जिन्होंने भी स्टार हेल्थ की पॉलिसी लिया है कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम्स आ रही है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कुछ प्रूफ जहाँ से हमें पता चलेगा कि क्या हकीकत है और क्या मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है या नहीं। सो फ्रेंड्स, इस केस को आप देखिए, ये केस है आपका 9 दिसंबर 2021 का, अभी लेटेस्ट केस है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर क्लेम इसको डिक्लाइन किया गया, रिपोर्टेशन सब क्लेम में इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पर कस्टमर को क्या हुआ था, डेंगू फीवर हुआ था इस समय, आप दिसंबर में डेंगू बहुत चला हुआ था, तो यहाँ पर डेंगू फीवर हो गया था, और इस क्लेम को कंपनी ने डिनाई कर दिया। रीजन क्या कह रहे हैं कि आपका जो प्लेटलेट्स अकाउंट मोर देन 2 लाख था, और ये कंटिन्यूसली मोर देन 2 लाख था, तो ये घर पे रह के आपका इलाज हो सकता है। अगर आपको डेंगू हुआ है या आपके किसी भी रिलेटिव्स को डेंगू हुआ है, तो क्या इसकी गारंटी आप ले सकते हैं कि 2 लाख का जो आपका प्लेटलेट है अगले घंटे में वो 1 लाख नहीं हो जाए, या उसके अगले घंटे में 50,000 नहीं हो जाए? तो क्या आप डेंगू वाले मरीज को घर पे रह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो इनका कहना है कि भाई आप ये सेटलमेंट मैं ये सेटलमेंट नहीं कर लूँ, क्योंकि आपका जो प्लेटलेट काउंट था 2 लाख था, ये घर पे रह के आप इलाज कर सकते थे, इसलिए मैं इस क्लेम को रिजेक्ट करता हूँ, ठीक है। दूसरे क्लेम देखिए, दूसरे क्लेम में मैं चलता हूँ। ये देखिए अमोल शर्मा जी हैं, और इनका क्लेम 6 साल की बच्ची है, और इसको भी ये आपका केस कब का है अभी देख लेते हैं, 25 नवंबर का केस है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इनको भी डेंगू हुआ, ये देखिए एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। अब डेंगू हो गया, और इनका वहाँ पर तो 2 लाख था, चलिए इनका था 1 लाख। यहाँ पर लिखा है कि हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड ऑफ प्लेटलेट काउंट मोर देन 1 लाख, तो 1 लाख है तब भी हम हॉस्पिटल। तो ये अगर आप डॉक्टर हैं, ठीक है, तब तो ठीक है भाई कि आप डॉक्टर हैं, आप बोल रहे हैं कि आप जाके घर पे इलाज करो,
लेकिन जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है उसको पता है कि मुझे इस डेंगू के इलाज में, डेंगू के इलाज में मुझे करना क्या है, मुझे हॉस्पिटलाइज करना है या उसको घर पे रख के इलाज करना है। तो इस केस में भी आपका इलाज नहीं हुआ और क्लेम रिजेक्ट हो गया। ये लोग कुछ सब लोग कहेंगे कि फेक है, इसलिए मैंने आपको दूसरी साइड पर नहीं ले गया, मैं सीधा का सीधा आपको एग्जाम्पल दिखाया। यहाँ पर देखिए इनको क्या हुआ, इनको एक, इनका भी वही केस है, इनका भी डेंगू का केस है। इनकी मेडिकल टीम की ओपिनियन मिली है कि ये मतलब ठीक नहीं है और इसको भी आप आउट पेशेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब बिना हॉस्पिटलाइज हुए आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी रिटर्न, ये भी क्लेम पास नहीं करेंगे। इस टाइप से ये छोटे छोटे जब क्लेम देने की जब बात आए तब जाके ऐसे ऐसे कहानी शुरू होती है और क्लेम देना बंद कर देते हैं। देखिए अब एक मौसम पर ले चलता हूँ, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं, जैसे लिखा हुआ है स्पेंड मनी ऑन मार्केट टू फूल पीपल बट जीरो क्लेम सेटलमेंट, डॉक्टर आर लाइक गुड, रिजेक्ट क्लेम ऑन एजम्पशंस ओनली। ठीक है, ये केवल एजम्पशंस पे आपका क्लेम रिजेक्ट होता है। अगर आपके एजम्पशंस पे क्लेम रिजेक्ट होने लगे तो फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने का फायदा क्या है? डोंट इवन बाय इट। किसी ने कह दिया कि इसको बाय करने की जरूरत नहीं है। नॉट सॉल्व ऑन, देखिए क्लेम इनका, ये अपना नंबर भी दिया हुआ है और आज तक इनके क्लेम पास नहीं हुआ। यहाँ लिखा है फ्रॉड कंपनी स्कैम, आप ये भी, ये सब आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये लोग जेन्युइन लोग हैं जो उन्होंने कंप्लेन डाला हुआ है। यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा पुअर सर्विस, वेरी पुअर सर्विस, नो वन विल रिप्लाई योर मेल, यहाँ तक कि ईमेल आईडी पे भी कोई रिप्लाई नहीं करता, नो कस्टमर केयर सपोर्ट, वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। सो इस टाइप से जैसे मैंने बोला आपको कस्टमर केयर सर्विस बहुत ही बकवास है। इसको देखिए इनका क्या था, इनको भी फीवर की प्रॉब्लम हुई थी, इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए लेकिन वही आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया और यही एजम्पशंस की डॉक्टर ने कह दिया कि भाई इसका तो घर में रह के इलाज हो सकता है। इनको देखिए डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस, ये खुद अपना इन्होंने 6 साल से, देखो 1-2 साल की तो मैं बात मान लूँ, जिसकी पॉलिसी 6 साल से चल रही है, देख रही है 6 साल से पॉलिसी चल रही है और ये हेल्थ केयर वर्कर हैं यानी किसी हॉस्पिटल में होंगे, उनको कोविड हो जाने के बाद भी ये क्लेम नहीं मिला और वो यहाँ तक कि ये लिखा हुआ है इसमें कि वो खड़ा भी नहीं हो सकते थे, ऐसी हालत में भी आपकी स्टार हेल्थ ने पॉलिसी का क्लेम नहीं दिया, जबकि पॉलिसी 6 साल, आप समझिए 1, 2, 3, 4 नहीं 6 साल ऑलरेडी प्रीमियम पे कर दिया फिर भी क्लेम नहीं मिला, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टार हेल्थ आपको क्लेम के मामले में, आपको कस्टमर केयर के मामले में बहुत ही बकवास कंपनी है, तो आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए और तब ये पॉलिसी लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपका स्टार हेल्थ के बारे में क्या रिव्यू है, क्या आपके एक्सपीरियंस है स्टार हेल्थ के साथ, आप जरूर शेयर कीजिए मुझे। सो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले 10 बार सोचेंगे, और खासकर स्टार हेल्थ अगर आपने लिया हुआ है तो अभी आपके पास बढ़िया टाइम है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है टू चेंज करना और किसी और कंपनी में जाना। थैंक यू।